बोली मोहब्बत है, प्रेम है भैया, सेवा करती है। छोड़े तो है, हालांकि तो छोड़े भी कौन, डिस्चार्ज ही पड़े रहे हमेशा। भाई मेरे से पहले शोभा राम जी ने बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, ऐसा लग रहा था जैसे सेनाइयां बज रही हो। अच्छा, अगर वही सरस्वती वंदना मैं प्रस्तुत करता ऐसा लगता जैसे पोपाड़ा बज रहा हो मांडे में। वो पोपाड़ा जो पहले बजता था भाई साहब, जिसको दो आदमी आगे लेके चलते थे और हर 5-7 मिनट में एक बार पौ, ये काम रहता था उनका और पैसा वसूल। आजकल बंद कर दे, बहुत अच्छी काव्य महफिल सजी है भाई, बावड़िया भी डाटा टूट होके बैठी हुई यहां पर। भाई श्रोता से मैदान भर गयो और कविया से भर गयो चौंतरो, श्रोता से मैदान भर गयो, कविया से भर गयो चौंतरो बाबा, और सबसे पहले था के बीच में अपने कांदा को पौतरो। क्या बात है, वाह मेरू वाह, वाह नगराला भाई, कांदा का पौतरा है बिल्कुल कम नहीं समझना। अच्छा, चार जगह लड्डू बाफला जिम के आगे इस सीजन में कांदा छूट कांदा को पौतरो नहीं मिले भाई साहब। सही बात, चोलिया करो कहीं सार नहीं करो, देख लो आप कांदा की इम्पोर्टेंस। सही बात भाई, बहुत दूर दूर से कवि मंगाए, हाँ ये जो राता फिरा होकर बैठा है हमारे बीच में आइटम। अच्छा, तो कहाँ को पांडू, हड़प्पो मोहन जोदड़ की खुदाई से निकला हुआ अंतिम पुरातात्विक अवशेष यही है भाई साहब। अच्छा, हमारे बीच में शोभा राम जी भी मुझे देख के मुस्कुरा रहे, मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि इनको मैं बता दूं कि मैं पुल्लिंग ही हूँ, स्त्रीलिंग नहीं हूँ। अच्छा भाई साहब, इस मंच का सबसे खूबसूरत कवि हूँ मैं, वो तो लग रहा है। हाँ, 31वें साल चमड़ी पे रहो यार भाई साहब, शोभा राम जी शोभित को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से इनको आपके लिए विशेष रूप से आया, हेलीकॉप्टर में से आए भाई साहब। और देख लू कहां से आया, ये जो हमारे बीच में टोपी लगाकर बैठे हैं, इनको देखकर भाई साहब मुझे गदर फिल्म के अमरीश पुरी की याद आ, वो अशरफ अली खान वो इनके परिवार से था। देख लो आप गदर फिल्म का वो सीन, अशरफ अली खान बाबा, इनको सीधे पाकिस्तान से आपके बीच में आयात किया गया है। तो भी शोले पिक्चर का कालिया है, स्वागत है। और भाई साहब ये जो डालचंद जी मनमोजी बैठे हुए हैं ब्यावरा से, ब्यावरा से नहीं भाई साहब, इनको अमेरिका से मंगाया, आप भूल गए कि आपने तो मंगाया, इनको अमेरिका से मंगाया, अगर इनको कोट पेंट पहना दो और एक टाई इनके लटका दो तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के मोसेरे पाई लगेंगे भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे 24 तारीख को आएंगे, लेकिन इनको पहले भेज दिया कि जाओ तुम कार्यक्रम संभालना, फिर हमारे बाद में मोदी जी के साथ इनका कार्यक्रम फिक्स है। अच्छा। और मैं भाई साहब 50.5 किलो का सरकारी मास्टर, मैं कहीं से नहीं आया, मैं सीधा अपने गांव मिसवली से यहाँ आया हूँ और यहाँ से कार्यक्रम खत्म करके सीधा अपने गांव मिसवली जाऊंगा। सही बात, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, भाभी जी को डर। अपन अपन इधर रोते फिरे, वहां अपनी घर वाली रोती फिरे, चुरो चुरी रोते फिरे भाई साहब। सही बात, क्यों जाए अपन, अपन जहाँ बुलाए वहीं जाए। और मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार बुलाया ही नहीं इन्होंने, अब नहीं बुलाया तो अपन अपने भी माजड़े, माजड़े वाले आदमी, रेपुटेड आदमी, सरकारी मास्टर है ऐसे थोड़ी विराजमान, अपन पहली बार आए भाई साहब। बहुत अच्छा, इस वातावरण में, काव्य वातावरण में, वाह वाह बहुत बढ़िया, लिए लड़ रहे हैं, क्या बात है फिर, आप देश के लिए लड़े, नेता लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, अरे आपने देश को आजाद कराने के लिए जान दी थी, वो देश को वापस गुलाम बनाने के लिए जाने ले रहे हैं, इंसानियत और ईमानदारी की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है, मंदिर मस्जिद संसद कुछ भी सुरक्षित नहीं है। क्या बात है फिर, बहुत इंसानियत और ईमानदारी की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है, मंदिर मस्जिद संसद कुछ भी सुरक्षित नहीं है, अरे नए नए मुद्दों की तलाश में नेता लोग भटका खा रहे हैं, शर्म तो इनसे कोसों दूर ये संसद में भी लात घुसे चला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात, शर्म तो इनसे कोसों दूर ये संसद में भी लात घुसे चला रहे हैं। और देखो देश की व्यवस्था, अनपढ़ और अयोग्य व्यक्ति मंत्री बनाए जा रहे हैं,
अनपढ़ और अयोग्य व्यक्ति मंत्री बनाए जा रहे हैं, और इंसान की बात छोड़ो यहाँ तो गधड़े भी गुलाब जामुन खा रहे हैं। क्या बात है फेरू, तालियां। इंसान की बात छोड़ो यहाँ तो गधड़े भी गुलाब जामुन खा रहे हैं। देश के खिलाफ नित नई राजनीतियां संसद भवन में खेली जा रही है, और ऐसे देशद्रोहियों को पैदा करके तो इनकी माएं भी पछता रही है। क्या बात है फेरू, ऐसे देशद्रोहियों को पैदा करके तो इनकी माएं भी पछता रही है। नौकरियों के चक्कर में युवा फोकट में कुटा रहे हैं, और देशभक्ति की बात छोड़ो ये तो पेशन पे जान लुटा रहे हैं, ये तो पेशन पे जान लुटा रहे हैं। अब लक्ष्मी बाई की बारी आई, उन्होंने भी हाल चाल की बात बोला है। मैं बोल रहा तूने 57 में तलवार चलाई थी, लड़कियां अब स्कूटी और कार चला रही है। मैं बोल रहा तूने 57 में तलवार चलाई थी, लड़कियां स्कूटी और कार चला रही है। तूने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी थी, वो मोबाइल के नेट पैक पे अपनी जान लुटा रही है। वो मोबाइल के नेट पैक पे अपनी जान लुटा रही है। हमारी बात सुनकर सब शहीद एक साथ रो पड़िया, अरे हमारी बात सुनकर सब शहीद एक साथ रो पड़िया। अपना देश भाषा के खातिर मैं फोकट में लड़िया, मैं बोल रहे जीर्णधन था जैसा शहीद अड़ी धरती का आगा, देश पूरी तरह से आजाद के लागा, पूरी तरह से आजाद। धन्यवाद।